हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है थोड़ा एक होर नवी वीडियो के नाल। सारों प्यार भरी सत श्रीकाल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके पास इनवाइट आ जाता है आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में, तो उसके बाद आपको करना क्या है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपनी एड्रेस हिस्ट्री, आपका पर्सनल हिस्ट्री और आपकी वर्क हिस्ट्री मेंटेन करनी है, उसके बारे में भी कुछ टिप्स हैं जो मैंने फॉलो करी थी और मेरा बहुत इजी हो गया था प्रोसेस। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये टिप्स फॉलो करें। और तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जब आपको इनविटेशन रिसीव हो जाएगा तो आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट हो जाएगी से मतलब वहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा, इनविटेशन रिसीव्ड, और IRCC आपके लिए एक नया एप्लीकेशन बना देंगे, और वो नई एप्लीकेशन होगी आपकी परमानेंट रेजिडेंट की। अब वो जो नई एप्लीकेशन है वो आपको फिल करनी है और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और आपका काम हो जाएगा। और आपको इसके लिए दिए जाएंगे 60 दिन। तो 60 दिन में बस फटाफट करके सारा काम कर लेना है। तो बात करते हैं कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट फिलअप करना स्टार्ट करोगे तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वर्क हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री और आपकी एड्रेस हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि हमें जहाँ जहाँ पे हमने काम करा है वो आपको सारी डिटेल डालनी है। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया भी काम करा है तो वो भी डिटेल डालनी है, जैसे आपने एक्सप्रेस एंट्री में डाली थी सेम वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री की। अब पर्सनल हिस्ट्री में आपका ये मांगेंगे पिछले 10 साल का बही खाता, कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे और आपने क्या नहीं किया। अगर आप एम्प्लॉयड थे तो आपको डालना है एम्प्लॉयड, अगर आप अनएम्प्लॉयड थे तो आपको डालना है अनएम्प्लॉयड, और आपको कौन सी सिटी में थे, कौन सी स्टेट में थे, ये आपको पूरा डालना है। अगर आप स्टडी कर रहे थे तो आप डाल लेना कि भैया मैं तो पढ़ाई कर रहा था इस डेट से लेकर इस डेट तक। तो अब बात करते हैं एड्रेस हिस्ट्री की। अब एड्रेस हिस्ट्री में एक दूसरा बही खाता कि आप कहाँ पे थे, कौन से एड्रेस पे रह रहे थे पिछले 10 साल में, तो वो सारा आपको डालना है। अगर आपने जॉब चेंज करी है बीच में और आपकी सिटी भी चेंज हो गई है उस दौरान, तो आप साथ में वो भी डाल देना कि भैया मैं इस सिटी से इस डेट से लेके इस डेट तक इस सिटी में रहा हूँ। सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये एड्रेस हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और वर्क हिस्ट्री, इनको कैसे मेंटेन करें, कैसे करें। तो इसके लिए मेरे पास एक टिप है, बहुत ही सिंपल है, मैंने भी वही फॉलो करी थी, मेरे कलीग्स ने और मेरे फ्रेंड ने दी थी, तो मैं चाहूँगा आप भी वही फॉलो करें। मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनको कैसे मेंटेन करके रखा था अपने लैपटॉप में। तो आ जाओ लैपटॉप पर। तो वर्क हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और एड्रेस हिस्ट्री को अलग अलग मेंटेन करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अलग अलग एक एक्सेल शीट बनाओ और उस एक्सेल शीट में अलग अलग टैब क्रिएट कर लो, वर्क हिस्ट्री के लिए, पर्सनल हिस्ट्री के लिए और एड्रेस हिस्ट्री के लिए। और सेम अगर आपके स्पाउस हैं साथ में तो आप स्पाउस के लिए भी ऐसे ही क्रिएट कर लो। अब जैसे मैंने अपने लिए क्रिएट कर रखी है वर्क हिस्ट्री और फिर साथ में पर्सनल हिस्ट्री और एड्रेस हिस्ट्री। अब आप देखेंगे मैंने कहाँ से, कब से लेके कब तक कौन सी कंपनी में काम किया है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, कौन सा टाइटल था, कौन सी सिटी थी और कौन सी कंट्री थी। ऐसे ही आपको सारी की सारी कंट्रीज और सारे के सारे आपके वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर लेने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने कंपनी सी के लिए काफ़ी काम किया है क्योंकि, और मैंने उसके मल्टीपल रोज दिखाए हुए हैं। इस मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपनी इस जॉब के ड्यूरिंग मैंने कैनेडा में ट्रैवल करा था, तो जिस ड्यूरेशन के लिए मैं कनाडा में था वो मैंने कनाडा का दिखाया है, जिस ड्यूरेशन में मैं वापस इंडिया में आ गया था वो मैंने इंडिया में दिखाया है, और उसके बाद फिर से जब मैं वापस कनाडा ट्रैवल किया तो फिर से मैंने कनाडा का ऐड किया। ऐसे ही मैंने सारे के सारे करके ऐड कर लिए। तो ये तो होगी हमारी वर्क हिस्ट्री। अब बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री की। तो पर्सनल हिस्ट्री में जैसे ही कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पिछले 10 साल की हिस्ट्री मांगी जाती है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे केस में जब मैंने अप्लाई करा था 2021 में, तो मेरे 2011 तक की हिस्ट्री चाहिए थी। तो 2011 में मैं स्टडी कर रहा था, तो इसलिए मैंने स्टडी का पहला रो बना के रखा है। और उसके बाद मैं एक स्टडी के बाद एक साल तक अनएम्प्लॉयड था, तो मैंने वो सेक्शन को अनएम्प्लॉयड दिखाया है। उसके बाद जितने भी मैंने काम करा उसके बाद एम्प्लॉयड, और कब मैं अनएम्प्लॉयड था तो उस केस में मैंने वो दिखाया। यहाँ पे आपको सिटी और कंट्री भी दिखानी होती है। तो आप जैसे ही आपने वर्क हिस्ट्री ऐड करी थी उसी उसके जैसे ही आप यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री में ऐड कर लेना। बस फर्क इतना है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम नहीं देना, यहाँ पे आपको बताना सिर्फ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप दूसरी कंपनी में स्विच लेते हो,
और अगर उस ड्यूरेशन में स्विच करने के टाइम के उस बिटवीन आपके पास 1 महीने का गैप होता है, तो आपको वो वाला सेक्शन अनएम्प्लॉयड दिखाना है, यहाँ पे वो मिस नहीं करना है। तो वो सेक्शन आप, जैसे मैंने यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयड सेक्शन दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने जब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करी थी, तो मेरे पास कुछ 20-21 दिन का टाइम था जो मैंने फ्री लिया था, तो मैंने उसको एज अनएम्प्लॉयड दिखाया है। तो आपने ऐसे ही क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है एड्रेस हिस्ट्री टैब में। तो एड्रेस एड्रेस हिस्ट्री टैब में आपका, अगर आप देख सकते हो, तो मैंने भी यहाँ पे 2011 से लेके, क्योंकि ये भी पिछले 10 साल का आपको एड्रेस देना होता है, तो 2011 से लेके 2022 तक, या आप कह रहे हो 2022 तक, मैंने सारा का, या टिल डेट जब तक आप हो, उसके सारे एड्रेस दिए हैं कि मैं कहाँ कहाँ रहा था और कौन कौन सा मेरा एड्रेस है। अब जैसे एड्रेस फील्ड में मैंने हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1 कर दिया है, क्योंकि मैंने अपना ओरिजिनल एड्रेस हटा दिया है, लेकिन आपको ऐसे मेंटेन करना है, आपके एड्रेस में सिटी, स्टेट, कंट्री और जिप कोड इंक्लूडेड होना चाहिए, और यहाँ पे एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो होना चाहिए। अगर आप जितने भी एड्रेस पे रहे हो इंडिया में, अगर आपने जॉब स्विच किया तो आपका एड्रेस भी चेंज हो गया बाय चांस, तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने एड्रेस चेंज किया है। अगर आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया रहे हो, जैसे मैं कनाडा रहा था, तो मैंने उस केस में यहाँ पे कनाडा चूज किया था। अब इन फाइल्स को मेंटेन करने का बेनिफिट ये है कि एक तो आपके पास सब कुछ हैंडी रहेगा, आप कुछ भूलोगे नहीं कि आपने कब कब से लेके कहाँ तक स्टे किया था और कब से लेके कहाँ तक काम किया था। और दूसरा ये है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में सिंक में होनी चाहिए। अगर आप वर्क हिस्ट्री में दिखा रहे हो कि मैंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक वर्क किया है, और पर्सनल हिस्ट्री में आपको वो सेक्शन एम्प्लॉयड दिखाना पड़ेगा, तो ताकि दोनों सिंक में रहें। और सेम फिर जब आप यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री में उसका सिटी और कंट्री दिखा रहे हो, तो आपको सेम सिटी और कंट्री यहाँ दिखाना पड़ेगा, सो दैट आपका सिंक में रहे। तो ये तीनों चीज़ें सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंक में नहीं करोगे तो इसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो फिर। तो ये चीज़ें मेक श्योर करना कि ये सारी चीज़ें सिंक में हैं। अब सेम ऐसे ही मैंने अपने वाइफ के लिए भी एड्रेस हिस्ट्री को मेंटेन कर लिया है ऐसे, और सिमिलरली मैंने उसकी पर्सनल हिस्ट्री को भी मेंटेन कर लिया है। वर्क हिस्ट्री उसकी इसलिए मेंटेन नहीं करी मैंने कि हमने उसका पुराना एक्सपीरियंस नहीं दिखाया था, और वो इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि हमें उसके पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा था हमारे पॉइंट्स पे। अब आते हैं वर्क हिस्ट्री पे वापस। तो जो जो चीज़ें आप वर्क हिस्ट्री में दिखाओगे, उस वर्क हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मांगा जाएगा आपका जॉब एंड ड्यूटी लेटर, कि आप इस कंपनी से इस ड्यूरेशन का जॉब एंड ड्यूटी लेटर ला के दो। तो जो जो भी चीज़ें वर्क हिस्ट्री में होगी उसका डॉक्यूमेंट देना है। पर्सनल हिस्ट्री में किसी भी चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और एड्रेस हिस्ट्री में किसी भी चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट देना है, ओनली फॉर वर्क हिस्ट्री। अब मैंने मेरे केस में, जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था, कि मैंने सिर्फ अपना 6 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था, उससे पहले का एक्सपीरियंस नहीं दिखाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके लेटर कलेक्ट करूं और इस किसी पचड़े में फंसूं। तो ज़्यादा खजलमेंट नहीं करने के लिए मैंने सोचा सिर्फ 6 साल का दिखाओ, क्योंकि 6 साल वाली को जो कंपनीज थी वो नॉन कंपनीज थी, और वो ओपन भी थी, और मेरे कॉन्टैक्ट भी थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ का लेटर लिए और अपलोड कर दिया। तो ये तो थी आपकी ये वर्क हिस्ट्री, एड्रेस हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो और बहुत ईजिली काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको हेल्प करूं, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो रिजोल्व कर पाऊं। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो आ जाओ फिर से लैपटॉप पे, क्योंकि सारा काम तो लैपटॉप पे ही है, उसके बिना गति नहीं है। आ जाओ। तो अब बात करते हैं गाइस डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे जो मेरे से मांगे थे, ताकि मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करूं और वो मेरी पीआर की एप्लीकेशन प्रोसेस कर सके। तो इतने डॉक्यूमेंट को हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी था, और तो इसलिए मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला कि आप क्या करो, एक फोल्डर क्रिएट कर लो, ऐसे जैसे मैंने अपने लिए किया हुआ है और अपनी वाइफ के लिए किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर मैंने अपनी जो एड्रेस हिस्ट्री वाली फाइल है वो भी रखी हुई है। तो फिर यहाँ पर मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग फोल्डर बना के रख लिए, और उस फोल्डर में मैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स डालता रहा, ताकि मेरे को ये पता चले कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट आ गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके डालने हैं, और एक जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट डालना है, कि जहाँ पे आपको एजुकेशन के डॉक्यूमेंट मांगे हैं, तो आपको अपने एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ही फाइल क्रिएट करना है, PDF फाइल, और यहाँ पे अपलोड करना है। और ये आप अपने फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हो, आपको किसी बाहर जाके किसी से स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। आप फोन से स्कैन करो, उनका एक PDF फाइल बनाओ और यहाँ पे डाल दो।
अब बात करते हैं वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स की कि मैंने क्या क्या अपलोड करा था। अब जो एजुकेशन वाला डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे मैंडेटरी चीज़ है आपका ECA का सर्टिफिकेट, आपको वो तो जरूर डालना है, और इसके साथ साथ आपको आपके सेमेस्टर के सर्टिफिकेट डालने हैं और आपका एक डिग्री सर्टिफिकेट डालना है। ये सब ये तीनों चीज़ें आपको एक फाइल में कलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट है आपका PCC, तो यहाँ पे आपका PCC का सर्टिफिकेट जो आपको इंडियन गवर्नमेंट से मिला होगा वो आपको अपलोड करना है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि PCC कैसे ले ले सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जहां जहां पे भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखा है वहां वहां पे आपने जॉब एंड ड्यूटी लेटर जो आप अपने अपने ऑफिस से लिया होगा वो अपलोड करना है। अब जॉब एंड ड्यूटी लेटर के अलावा और क्या क्या अपलोड करना चाहिए, क्योंकि आपके आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप कोई भी चीज ऐसी मिस ना करो जो वो दोबारा आपसे मांगे, आपकी फाइल रीओपन हो और उसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपका जो PR का रिजल्ट आना है वो लेट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है वहाँ पे आपको जॉब एंड ड्यूटी लेटर डालना है, और इसके साथ साथ आपको डालना है आपका ऑफर लेटर, कुछ रैंडम पे स्टब आपकी कंपनी के या पे स्लिप्स आप कह सकते हो, और साथ में आपको डालना है आपके ITR के प्रूफ्स जो आप ITR इंडिया में भरते हो वो वाले। तो इन सब में आपको यही करना है। मैं इन सब के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए और जॉब एंड ड्यूटी लेटर कैसा होना चाहिए, कैसा कैसे बनवाना चाहिए, तो इसके लिए अलग से वीडियो एक बना देंगे। बट यहाँ पे आपको सब जगह वही अपलोड करना है। अब जितने भी आप वहाँ पे वर्क हिस्ट्री में फिल अप करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये डाला है सीनियर एसोसिएट वन, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड इंजीनियर, तो यहाँ पे ये मेरे अलग अलग कंपनी के हैं तो आप अलग अलग कंपनी के यहाँ पे भरोगे। बट याद रखें आप एक ही फाइल बनाओगे, जैसे सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी की एक ही फाइल बनाई वो वहाँ पे अपलोड कर दी, और सेम फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर दी, फिर वो सेम फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी, लीड इंजीनियर की एक अलग से फाइल बनाई वहाँ पे अपलोड कर दी, सेम ऐसा ही चलता रहेगा। प्रूफ ऑफ फंड में आपको प्रूफ डालना है कि आपके पास रिक्वायर्ड जो भी मिनिमम फंड्स हैं वो आपके पास हैं या नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उस पर मैंने लिंक भी डाला हुआ है कि कितने फंड्स चाहिए फॉर द फैमिली मेम्बर ऑफ टू, क्योंकि हम दो थे, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो उसका प्रूफ आपको डालना है यहाँ पे। अब उसके प्रूफ में आप क्या कैसे कैसे ले सकते हो, आप अपने बैंक में जा सकते हो और बैंक से उनके लेटर हेड पे आप ये लिखवा के लेके आ सकते हो कि आपका करंट बैलेंस क्या है। अगर आपके पास FD है तो आप उसी लेटर पे अपने FD की इन्फॉर्मेशन लिखवा दो कि ये FD है, और साथ में अगर आपके पास कोई और PPF अकाउंट है तो आप वो भी डाल सकते हो उसी लेटर में, और नीचे एंड में आप सबका सम डाल सकते हो कि ये मेरा सम है। और इसमें एक और चीज़ होती है, आपसे मांगते हैं कि पिछले 6 मंथ का एवरेज कि आपके अकाउंट का क्या था, आप कितना अमाउंट मिनिमम मेंटेन कर रहे थे, तो कई बार वो बैंक वाले नहीं देते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको 6 मंथ की आपकी पुरानी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देनी। नेक्स्ट इज आपका डिजिटल फोटो, तो PR के लिए स्पेसिफिक एक स्पेसिफिकेशन दी है उन्होंने IRCC ने, तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद है मैरिज लाइसेंस और सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा। हमारे केस में हमने मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड किया था, उसमें कोई और चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ही डाला था। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट, अब आपको डालना है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में जनरली ये मांगते हैं फर्स्ट और लास्ट पेज, लेकिन इसमें भी एक टिप है, तो आप फर्स्ट और लास्ट पेज के साथ साथ जहाँ जहाँ पे भी आपकी पासपोर्ट में स्टैम्प करी हुई है किसी भी वीज़ा की, आपको वो भी इंक्लूड करनी है, उसकी भी फोटो खींचनी है और उन सारी फाइल्स को कलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये तो हो गया आपका पासपोर्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ ऑफ अप मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकल एग्जाम आपको करवाने जाना पड़ता है जो ऑथराइज डॉक्टर हैं इंडिया में। मेरे केस में मैं सुनाम से हूँ, तो मैं लुधियाना गया था, वहाँ से मैंने करवाया था, और वो खुद ही अपलोड कर देते हैं रिजल्ट और आपको एक रिसीट दे देते हैं या एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये तो थे सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको ऐड करने हैं आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट, जैसे आपने अपने कलेक्ट करे थे, मेंटेन करे थे, सेम सिमिलर वे में ये यहाँ पे भी करने हैं। और जब ये हो जाने के बाद आपको पे करनी है फ़ी। आई वुड रिकमेंड कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होगे तभी के तभी आप फ़ी पे कर देना, बाद में मत करना, सो दैट आपकी फाइल की प्रोसेसिंग डिले ना हो। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क हिस्ट्री, एड्रेस हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री एंड द डॉक्यूमेंट विच यू नीड टू अपलोड आफ्टर यू रिसीव योर इन्विटेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अब मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिना सपोर्ट के कोई काम हो नहीं पा रहा है हमारा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और तब तक के लिए बाय बाय।